नमस्कार, आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर के थाना शहर यमुनानगर से। और यहाँ पर आप सभी को बता दें, तमाम हिंदू संगठन हैं जो एकत्रित हो चुके हैं और यहाँ पर भारत माता की जयकारे और जय घोष लगा रहे हैं। आप सभी को जानकारी दे दें कि आज समस्त हिंदू संगठन जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्या कुछ मामले आप सभी को जानने का बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से लव जिहाद का कोई मामला सामने आया था जिसमें प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं करी, जिसके चलते जो है समस्त बढ़ती जा रही है और प्रशासन के बड़े ही उदासीन रवैये से हिंदू समाज काफी प्रताड़ित है। प्रशासन हमारा जागे, इसी जागरण के हेतु आज सभी संगठनों के पदाधिकारी यहाँ इकट्ठे होकर हनुमान चालीसा कर जाएंगे ताकि इनकी बुद्धि भी कुछ जागे और ये हिंदू समाज पे हो रहे इस लव जिहाद के षड्यंत्र का पर्दाफाश करे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सब लोग बैठ जाएंगे अपने इस विषय बताना चाहते हैं। यह धरना प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक वो यहाँ आने जाते हैं, ठीक है। तो आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से कहा जा रहा है कि हिंदू संगठनों के द्वारा जो यहाँ पर रोष प्रकट किया जा रहा है, क्योंकि हिंदू संगठनों का कहना है कि लव जिहाद के मामले जो है यमुनानगर में बढ़ रहे हैं और जिला प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, जिसके चलते जो है हिंदू संगठन के तमाम जो यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ पर बैठ कर हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी ये मांग है कि जब तक SP सर नहीं मिलेंगे तब तक हम लोग ये अपना जो है धरना इसी प्रकार यहाँ पर रखेंगे। और कहीं ना कहीं जो भी इस खबर को, इस वीडियो को देख रहा है, विशेष तौर पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। और तमाम जो है पुलिस बल मौजूद है, आप सभी को दिखाने का प्रयास करेंगे कि इस समय हम मौजूद हैं जिला सिटी के यमुनानगर के थाने पर, जहाँ पर जो है तमाम हिंदू संगठन जो है लव जिहाद के मामले को लेकर यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख रहा है, शेयर ज़रूर कीजिएगा। पच्चीस तारीख से लेकर के 30 तारीख तक क्या किया उसका ब्यौरा समाज के सामने रख दो, उनको पूरी छूट दीजिए। दूसरी बात, सच्चाई पुलिस वाले बताएंगे या हम? और अगर रास्ता पूछना चाहते हो हमारे से भाई, तो इसी इच्छा शक्ति की सरकार 5 किलोमीटर दूर है, इसी इच्छा शक्ति की सरकार यमुना जी पार करके, और वहां ऐसी घटनाएं हुई हैं, ऐसा नहीं हुई है, लेकिन इधर पता चला कि लड़की को लेके चला गया, उधर बुलडोजर मुसलमान लड़के के घर पहुंच गया, उसने लड़की तो दी और भी क्राइम बताए अपने। वही इच्छा शक्ति, वही विचारधारा की सरकार 5 किलोमीटर दूर, आपको क्या दिक्कत है? आपके पास बुलडोजर नहीं है, खड़ा तो करो उसके घर आके, समाज आपके साथ है, वो तो अपराधी है, वो तो सच पूछो तो माफ करना, अभी बताएंगे वो क्या क्या करता है ये लड़का। तो थोड़ा सा आपको स्पष्ट हो जाए सारा विषय, इसकी जानकारी में चिराग जी से निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा स्पष्टीकरण हो जाए विषय का। हम काजल है, वो M.Com में पढ़ती है, फर्स्ट ईयर में DAV गर्ल्स कॉलेज, और उसको वो प्रेम प्रसंग में भगाकर अपने साथ ले गया, और उसके जो परिवार है उसके घर में 3 लोग लड़की के भागने से पहले, लड़के का बाप, लड़के का भाई और एक और आदमी, ये लोग जाते हैं और जाके उनको सूचित करते हैं कि आपकी लड़की हमारे लड़के के साथ भागने वाली है। वो सूचना परिवार को ऐसा लगता है कि शायद ये हमारे हितैषी है, लेकिन वो सूचना इसलिए नहीं दी गई थी, वो लड़की को एक इशारा था कि हम आ गए हैं, हमारी गाड़ी आगे खड़ी है और तू घर से निकल और भाग। और उस तरह से एक बड़े प्लानिंग के साथ वो लड़की को लेके यहाँ से भागे हैं। लड़के जिस बाइक पे यहाँ से गए हैं, सानेवाल गए हैं पंजाब में, लुधियाना के पास। यहाँ एक बात स्पष्ट करता चलो जी मैं, उस लड़की की कुछ वीडियोज लड़के के पास है जिससे लड़की अपनी इज्जत के लिए चाहते हुए भी उसी का साथ दे सकती है। क्या हम इतना भी दिमाग हमारा काम नहीं कर सकता कि जिस बेटी की वीडियो क्लिप्स उस लड़के के पास हो वो उसके साथ में बोलेगी? इतने गुंगे बहरे हो गए हम लोग, इतनी समझ में नहीं आती।
अगर कोई थानेदार भी कहीं पकड़ ले, अभी पीछे से एक पुलिस वाले से सडोरे में सारा सामान खींच के ले गए, वो क्यों ले गए जी, आप तो पुलिस वाले थे, तो एक लड़की, तो एक बेचारी कमजोर बच्ची है, वो उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसकी गर्दन पर चक्कू रखा जा रहा है, उसकी बंदूक की नाली पर उससे बयान दिए जा रहे हैं, हो सकता है उसकी बंदूक रख के उसकी गोली, और उस पुलिस वालों को भी फोन करवा दे थोड़ी देर में वो राक्षस कि भैया तो मेरे को ले, मैं इनके साथ अपने आप गई हूँ, तो आप उनकी मान लोगे जिनके कब्जे में बच्ची है, जिन्होंने इराक में बेटियों को काटा, अफगानिस्तान में बेटियों को काटा, इसराइल में बेटियों को काटा, हर जगह काट रहे, वो बच्ची हमारी सुनेगी भाई, जिसकी वीडियो है, जिसको ये कहा जाएगा कि तेरे भाई को कत्ल कर देंगे, वो कैसे मानेगी हमारी बात, उल्लू बना रखा है समाज को, सिर्फ और सिर्फ अगर ऐसा बढ़िया है तो ये बेटियां बाद में क्यों आती है हमारी, तो इसलिए सीधा सीधा जो है अपहरण है जी, उस बेटी की वीडियोज और क्लिपिंग्स उनके पास है, वो उनका साथ देगी, तब तक देगी जब तक ये पुलिस वालों का गुर्दा मजबूत, और ये तो सारे वैसे तो पुलिस वाले हिंदू नहीं होते, वो कानून के दायरे में चलते हैं, लेकिन बेटियां तो तुम्हारी भी होंगी भाई, तुम्हारी भी बच्चियां हैं हमारी, और हम एक सज्जनता भी कहेगी, सज्जनता हम इतना भी नहीं देखते कि हमारी बेटी कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, बेटों को और बेटियों को दोनों ध्यान रखो, और ये जो है ना इनको, ये तो प्रशासन इनको देखे, एक ब्लैक मैंगो करके होटल है हाचीनाथ जी, क्या अगर प्रशासन अपना काम करने में निष्क्रिय है, वो नहीं कर सकता, तो हिंदू समाज स्वयं उसकी अपनी बेटियों की रक्षा करने के लिए तैयार है, उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, हम अपनी हद तक जाने के लिए तैयार है, चाहे उसके लिए हमें समाज का जागरण करना पड़े, अब क्योंकि हमें दिख रहा है जो यमुनानगर सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे थे किस तरीके से जो हिंदू संगठन है और मौके पर जो है डीएसपी या एसपी को कह रहे हैं कि वो मौके पर आए तभी हम लोग अपना ये संघर्ष बंद करेंगे। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख रहा है, शेयर ज़रूर करते रहिएगा। तो अब मुझसे हमको दे दीजिए इजाज़त, तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए IBN24 के साथ, नमस्कार। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।